नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ग्रामोफोन की तरह उनकी पिन अटक गई है, जिसके बाद वो बचकानी बातें कर रहे हैं और लोग उनके दावों का मजाक उड़ाते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि वक्त बदल गया है, जनता को मूर्ख समझना बंद करें। इस प्रकार की बचकानी बातें किसी के गले नहीं उतरती हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस समिति कार्यालय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी ने महात्मा गांधी की कोई ज्यादा बड़ी प्रतिमा क्यों नहीं बनाई, जबकि उन्होंने उनके शिष्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया। पटेल एक बहुत सरल व्यक्ति थे जो गांधी जी के शिष्य के रूप में जाने जाते थे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सादगी पसंद एक व्यक्ति और एक सच्चे गांधीवादी पटेल की इस तरह की भव्य प्रतिमा बनाए जाना ठीक है? दक्षिण दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के दो समूह आपस में ही भिड़ गए। एक समूह ने पार्टी के स्थानीय सांसद रमेश विधूड़ी के समर्थकों पर दुर्व्यवहार और हमले करने का आरोप लगाया। हालांकि विधूड़ी ने इस आरोप को खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के दो समूह के बीच मंच साझा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। एक गुट चंदन चौधरी का था तो दूसरा विधूड़ी के समर्थकों का। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में बात करते हुए राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि पड़ोसी देश राज्य को परेशान रखना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव के दौरान उसकी ये मंशा विफल हो गई और आतंकवादियों को मारने से आतंकवाद का सफाया नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि वो मरे, हम चाहते हैं वो बंदूक संस्कृति को छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट आए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा इस पर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, जो लोग बीजेपी और आरएसएस को उल्हाना दे रहे हैं कि राम मंदिर की तारीख बताएं, क्या वो उनके प्राइवेट बिल का समर्थन करेंगे? अब समय आ गया है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 जलीकट्टू सबरीमाला पर निर्णय लेने पर कितने दिन लिए? अयोध्या का मामला उनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राफेल मुद्दे पर कहा कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने गोपनीयता के नकाब को हटाने की कोशिश की है, जिसके पीछे सरकार छिपने का प्रयास कर रही थी। पार्टी ने पूछा कि वो इस लड़ाकू विमान सौदे का ब्यौरा उजागर करने से क्यों डर रही है। विपक्षी पार्टी मोदी सरकार की आलोचना करती है और कहा कि भ्रष्टाचार की उनकी नैया अब आगे नहीं बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नेताओं की छोटी छोटी बातों पर भी गौर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहुल गांधी का कमलनाथ का नाम लेना पसंद नहीं आया और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कल राहुल गांधी इंदौर में एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने गए और उनके साथ कमलनाथ भी थे, जिन्होंने उनके पिता के साथ भी काम किया है। वहाँ राहुल ने कहा, कमल आइसक्रीम बहुत अच्छी है, तुम भी खाओ। क्या हमारी भारतीय संस्कृति में 70-75 साल के किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है? नाना पाटेकर पे यौन शोषण के गंभीर आरोपों के चलते उन्हें हाउसफुल 4 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब नाना की जगह बाहुबली में भल्लाल देव का किरदार निभाने वाले राणा दग्गुबाति लेंगे। उन्हें इस तरह की कॉमेडी फिल्म में देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको बता दें, हाउसफुल 4 में रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कीर्ति सेनन, कीर्ति खरबंदा और पूजा हेगड़े भी नजर आएंगे। दिवाली के त्योहार से ठीक पहले आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। 14.2 किलो के सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम मध्य रात्रि से 502.40 रुपए से बढ़कर 505.34 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया, जबकि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़कर 880 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल 18 पैसे सस्ता होकर 79.37 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल 73.78 प्रति लीटर पर ही है। मंजीत सिंह के मुताबिक पीलीभीत में 8 लाख रुपए के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में एक प्रॉपर्टी डीलर पर बसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष को तेजाब डालकर झुलसाने का आरोप लगा है। झुलसी अवस्था में बसपा नेता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सदर कोतवाली पुलिस आरोपी प्रॉपर्टी डीलर के साथ तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुटी है। अब्दुल रफीक ने और फैसल अब्दुल रफीक ने मुझे रेंजरपिन कॉलोनी बुलाया था 7:30 के आसपास। पैसे का मसला था, इन्होंने प्रॉपर्टी मुझे खरीदना थी इनसे, प्लाट के लिए पैसे दिए थे 8 लाख रुपए मैंने,
बहुत लंबे टाइम से टला रहे थे। मुझे 14-16% बढ़ना है, सुपर स्पेशलिटी को डीप बढ़ना है। ट्रीटमेंट का स्टार्ट कर दिया है, फ्लूड अपना लगा दिया है और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ TV। नमस्कार।